गाइज, आफ्टर रिलीजिंग ColorOS 12 हमें बहुत सारे फीचर्स देखने को मिले। उनमें से एक फीचर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल फीचर है और जिसे आप हिडन फीचर भी कह सकते हैं, क्योंकि इस फीचर के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। सो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरे देखते रहना। एंड जैसे कि आपको पता होगा, ColorOS 12 बहुत ही ज्यादा या फिर बहुत सारे डिवाइसेस को ऑलरेडी मिल चुके हैं। किसी को बीटा अपडेट मिलने या फिर किसी को स्टेबल अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुके हैं, और जून के महीने भी काफी डिवाइसेस को मिलने वाले हैं। अगर आपको जानना है कौन कौन से डिवाइसेस को मिलेगा तो आप चैनल को चेकआउट कर सकते हो। बाय द वे, जो ColorOS 12 है इसके अंदर में बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, और जो मेनली है ColorOS 12, इस पे सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। और जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप कोई से भी एप्लीकेशन यूज करोगे तो वो एप्लीकेशन के थ्रू पता चल जाएगा कि वो एप्लीकेशन आपका क्या क्या यूज कर रही है, जैसे वो माइक्रोफोन यूज कर रही है या फिर नहीं कर रही है, फिर कैमरा यूज कर रही है या फिर नहीं कर रही, एंड GPS, ठीक है। तो उसकी रिपोर्ट आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाती है। अगर वो एप्लीकेशन आपका यूज कर रही होगी माइक्रोफोन, तो यहाँ पे ग्रीन में माइक्रोफोन बना आ जाता है, आपको पता ही होगा। बाय द वे, उसे छोड़ते हम बात करते हैं फीचर के बारे में। सो चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। या गाइस, सो फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कुछ नई चीज जो मेरे नाम से है, फैजल नाम से। यहाँ पे मेरे व्हाट्सएप का एक शॉर्टकट बन चुका है, और जो शॉर्टकट है देखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। आप यहाँ पे एडिट करके दूसरे कॉन्टेक्ट को भी ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉन्टेक्ट ऐड हो पाएगा जिसका आप शॉर्टकट बना सकते हो। सो ये फीचर आपको कैसे इनेबल करना है, कैसे कस्टमाइज करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो इस फीचर को इनेबल करना बहुत ही ज्यादा आसान है, और दो स्टेप है जिसे आपको फॉलो करना है। पहला स्टेप, आपको पिंच करना है हाथों से, और यहाँ पे आपको जाना है विजेट्स के अंदर। नीचे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, आपको विजेट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको बहुत नीचे जाना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है सिस्टम UI, ठीक है। ये एक विजेट है, और जो कन्वर्जेशन का है, कन्वर्जेशन जो भी हमारी चैटिंग होगी उसका कन्वर्जेशन का हम शॉर्टकट बना सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको छोड़ देना है, और यहाँ पे आपकी लिस्ट आ जाएगी, जो जो आपके जो मेन कॉन्टेक्ट है वो सामने देखने को मिल जाएंगे, जिनसे आप चैटिंग करते हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो वही सामने देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लिए अपना ऐड कर लेता हूँ जो मेरे फैजल नाम से है, और इसका मैं यहाँ पे बना लेता हूँ शॉर्टकट। और बाय द वे देखो कितना अच्छा लुक देखने को मिल रहा है, और जो लुकिंग है बहुत अच्छी प्यारी और देखने को मिल रही है। इससे क्या होगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके जो भी हमारी चैटिंग है वो व्हाट्सएप में हम कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए हमें व्हाट्सएप नहीं खोलना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली हमें सामने देखने को मिलेगा। बाय द वे इसे आप एडिट कर सकते हो, उसके साइज को बड़ा या फिर छोटा भी कर सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पे क्लिक करके आप पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दूसरे किसी और कॉन्टेक्ट को भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा मैं ये वाला ऐड कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे शो होने लग चुका है। तो कुछ इस तरीके का फीचर है जिसका आप यूज करके चैटिंग का जो शॉर्टकट बना सकते हो, और जो ये लुक है ना बहुत अच्छा लुक देता है, आपको देखने को मिल रहा होगा, और मुझे बहुत ही प्यारा लुक लग रहा है ये। बाय द वे आपके भी बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है फीचर, मेरे बहुत ज्यादा यूज में आएगा ये फीचर, एंड मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। बाय द वे आप बताना आपको कैसा लगा, कमेंट भी कर देना, एंड और फीचर्स को हम कवर करेंगे फ्यूचर में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स एंड दिस वीडियो।